आज हमारे पड़ोसी घर एक मुनिश्री के आहार संपन्न हुए। आहार के उपरांत कमेटी और मुनिश्री ने उनसे 21 लाख रुपए की मांग रखी। आहार के उपलक्ष्य में उन्होंने आधा घंटे की मीटिंग के बाद 2 लाख में बात को सेटलमेंट किया। घर आकर उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं चौका नहीं लगाऊंगा। क्या इस प्रकार की किसी शावक की श्रद्धा को चोट पहुंचाना उचित है? कृपया समाधान करें। देखिए, जो अनुचित काम हो वो ना करें। प्रश्न बहुत ज्वलंत है। अब मैं उत्तर दे दूंगा तो शांति धारा जैसा कांड हो जाएगा, लेकिन फिर भी उत्तर देते हैं। डरना क्या किसी से, आगम की बात को समझे। साधु का कर्तव्य है और कि वो आहार करने जाएं, और उनके आहार के उपरांत अगर कमेटी किसी को घेरती है कि तुम ये दो और तुम वो दो, तो साधु को स्पष्ट मना कर देना चाहिए कि मैं आहार लेने गया था, श्रावक के प्राण लेने नहीं गया था। स्पष्ट रूप से साधु का कर्तव्य अपना काम करे। और कमेटी मुख्यता होता यह है कि जो कमेटी के लोग रहते हैं उनको लगता है कि कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। भैया ध्यान रखना, साधुओं के आहार नहीं बिकते। जिन शासन में आहार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, फिर गरीब का क्या होगा? अब आप देखो, जिसका भी जो भी व्यक्ति था, जिसका नाम नहीं आया सामने अभी, उसके अंतरंग में क्या भावना बनी होगी कि मैं तो चौका ही नहीं लगाऊंगा। जिनका भी ये प्रश्न है उनसे मेरा कहना है कि एक बार जरूर आप उसको मेरे पास लाना। हम रोटी लेते हैं आहार में, हम नोट नहीं लेते हैं। और जो आहार के लिए सेटिंग चलती हो जहां पर भी, मेरा कहना है कि उनको थाली में नोट दिखाए जाए, दाल सब्जी रोटी ना दिखाई जाए। वहां नोट दिखाओ 500 का, 100 का, 1000 का, 20,000 का चेक, DD, बाकी चिल्लर। इस प्रकार की प्रक्रिया जिन शासन में निषेधात्मक है, ना साधु ऐसा बोले, ना कोई कमेटी ऐसा बोले। हो सकता है किसी को बुरा लगे, तो बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन सत्य कड़वा होता है। आगम में कहीं नहीं लिखा कि अपन आहार के पैसे लें, कि और जब आप पैसे दोगे तभी आहार होंगे। कभी कल एक श्रावक आया था, बोले हमारे यहाँ टैग लगाया मेरे ऊपर विशुद्ध सागर जी का, आचार्य विशुद्ध सागर जी का, तो बोले हमारे यहाँ 3 दिन चौका लगा, 2 दिन तो आहार ही नहीं हुए। मैंने कितने चौके थे, बोले चौके तो उतने ही थे, हमारा चौका खाली गया। मेरा कहना है कि अपन इस बात को गंभीरता से समझें, श्रावक भी और खासकर कमेटी वाले। कमेटी वाले अगर फोर्स नहीं करेंगे तो साधु को कोई विकल्प भी नहीं होगा। आप लोगों का काम है चर्या कराना, लेकिन चर्या में विघ्न नहीं करना। और ध्यान रखना, जो ऐसा कर रहे हैं उनको अंतराय कर्म का बंद होगा, दर्शन मोहनी कर्म तक का बंद हो सकता है, क्योंकि एक श्रावक की श्रद्धा चली गई। और एक श्रावक की श्रद्धा गई यानी उसको मोक्ष मार्ग, फिर वो छूट गया, फिर वो वापस घूमेगा। अपन ने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा है, भगवान ऋषभ देव भी आहार पे गए थे, इच्छू रस लाए थे, इच्छा से कुछ मांग करके नहीं आए थे, है ना? कहीं पढ़ा आपने आगम में कि महाराजों ने आहार के समय नियम दिलवाया हो? कहीं पढ़ा आपने आगम में कि आहार के बाद जो महाराज थे उन्होंने कहा कि ये बरवाओ, ये ग्रंथ छपवाओ या कुछ कराओ? ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी स्वेच्छा श्रावक की जो करने की हो, लेकिन कम से कम उसको आहार के उपरांत का ड्रामा ना बनाए, नहीं तो आने वाले वक्त में श्रावक की श्रद्धा खत्म होगी। खत्म क्या होगी, वो फिर साधुओं को पूछेगा ही नहीं, ऐसा समझिए।